नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। देश में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। आम जनमानस महंगाई को लेकर के काफ़ी परेशान है और परेशानी भी इस कदर है कि वो परेशानी हर दिन बढ़ती जा रही है। हर दिन क्यों? क्योंकि हर दिन जो ज़रूरत के सामान हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं और दाम बढ़ने की वजह से हमारी और आपकी जेब पर सबसे ज़्यादा असर पहुँच रहा है। महंगाई को लेकर के आज कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन भी किया। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो अपनी जांचों से बचने के लिए इस प्रदर्शन को कर रहे थे, लेकिन जिस तरह का ये प्रोटेस्ट था उस प्रोटेस्ट से साफ तौर पर देखने को ये मिला है कि कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के जो रोष है वो रोष कांग्रेस में देखने को मिला और उसके अलावा जो अन्य विपक्षी दल हैं वो भी काफ़ी दिनों से महंगाई को लेकर के सवाल खड़े करते नजर आए हैं। आम जनता की बात करी जाए तो महंगाई से कहीं ना कहीं जो तीन तरह के लोग हैं उनको समस्या नहीं है। पहले वर्ग वो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो किसी भी दाम का कोई भी सामान है उसका दाम जो है वो आसानी से चुका सकते हैं। दूसरा वर्ग वो जिसने अपनी ज़रूरतें कम कर ली हैं, जो पहले 1000 रुपये में जो सामान को ख़रीदता था अगर उसका दाम अब 3000 हो गया है तो वो उस सामान को कम करके 1000 रुपये में ख़रीद करके और जितना 1000 रुपये में वो आता है उतने में ही अपनी ज़रूरत पूरी कर ले रहा है, मतलब उसने अपनी ज़रूरतों को कम कर दिया है। और तीसरा वर्ग वो जो मजदूर वर्ग है, जो दिन में काम करने के बाद शाम को 1 किलो आटा, प्याज, आलू, तेल खरीद करके अपना 2-3 दिन का जो भी खाना पानी है, राशन है, उसका इंतज़ाम करता है। तो इन तीन तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा महंगाई से परेशानी नहीं है। लेकिन महंगाई से परेशानी सबसे ज़्यादा किसे है? महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशानी है हम जैसों को जिनकी इनकम फिक्स्ड है, जो सैलरी बेस है, जो ये जानते हैं कि उन्हें महीने में एक मुश्त रकम ही मिलेगी और उसी रकम में उन्हें अपना खर्चा चलाना है, उसी में उनको स्कूल की फ़ीस भी देनी है जो हर महीने बढ़ती जा रही है, उसी में उन्हें अपने घर परिवार के सदस्यों का इलाज कराना है। सरकारी अस्पताल में चले गए, इलाज हो गया तो ठीक है, प्राइवेट में चले गए तो बिल के साथ GST भी दीजिएगा। इसके अलावा वो ये भी जानते हैं कि घर के खर्चे, पेट्रोल का दाम और खाने पीने का जो सामान है उसके दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड इनकम से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ये भी जान रहा है कि जो सामान वो अगस्त 2019 में जिस दाम पर ख़रीदता था उससे दुगने दाम पर अब वो ख़रीद रहा है। मैं LPG सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। सिलेंडर के दाम अगस्त 2019 में 570 रुपये के करीब थे, लेकिन अभी अगर हम देखें तो वो अगर सिलेंडर हम अपने घर पे मंगवाते हैं तो करीब 1100 रुपये हो गया है। इसी तरह से 90 रुपये का सरसों का तेल 180 रुपये का लीटर हो गया है। डीजल पेट्रोल के दाम आप देख ही रहे हैं, चीनी महंगी हो गई है, आटा, दाल, चावल, सब्ज़ी, हर सामान जो है वो काफ़ी महंगा हो गया है और महंगा होते ही जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से बयान ये आ रहे हैं कि देश में महंगाई नहीं है, महंगाई कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। विरोधी दल इस वक्त सत्र के दौरान महंगाई को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं, महंगाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया, इसके पहले आम आदमी पार्टी के सांसदों ने, कई और राजनीतिक दलों ने महंगाई को लेकर के सवाल पूछे सरकार से, लेकिन जवाब सिर्फ इतना मिला कि जिस तरह से जो संसाधन हैं, लोगों की आय है वो बढ़ी है और इसी वजह से महंगाई नहीं है। तो क्या सच में महंगाई है या नहीं है, या सिर्फ ये विपक्षी दल महंगाई के नाम पर एक नया शगुफा खड़ा करना चाहते हैं कि अन्य मुद्दों पर चर्चा ना हो, या फिर सरकार ये बता करके इन सारे सवालों को दबाना चाहती है कि देश में महंगाई नहीं है, लोगों की आमदनी बढ़ गई है, संसाधन बढ़ गए हैं, महंगाई नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, महंगाई कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मुद्दा जो है ये काफ़ी अहम है क्योंकि ये मुद्दा हमारे और आपसे जुड़ा हुआ है, हमारी और आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, हमारे और आपके महीनों के खर्च या फिर जो दिन की खरीदारी है उससे जुड़ा हुआ है। 500 रुपये में पहले जो हम सब्ज़ी खरीदते थे, खरीदने के बाद हम जो झोला भर लेते थे और उसके बाद पैसा बचा करके घर भी चले जाते थे, आज के समय में 500 से ज़्यादा रुपया लगा भी दीजिए उसके बावजूद झोला नहीं भर रहा है, सब्ज़ी पूरी नहीं पड़ रही है। आटा, दाल, चावल, दूध के दाम, ब्रेड के दाम, सामानों पर GST, महंगा इलाज, महंगी शिक्षा, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम, बिजली के दाम, इन सभी दामों में जो वृद्धि हो रही है उससे
कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा समस्या हो रही है वो सिर्फ उस वर्ग को सबसे ज्यादा हो रही है जो कि फिक्स्ड इनकम वाला है, सैलरी बेस वाला है, जिसने कोविड के बाद कहीं ना कहीं नौकरी के नाम पर भी समस्याएं झेली हैं, जिसने कहीं ना कहीं तनख्वाह के नाम पर भी समस्याएं झेली हैं, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, कई सारी जो समस्याएं हैं उसके सामने खड़ी हो रही हैं। और अब 24 का चुनाव है, तो 24 के चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं देश प्रदेश के जो विपक्षी दल हैं उन्होंने महंगाई को मुद्दा बनाया हुआ है। इस बार सत्र के दौरान संसद में महंगाई को काफ़ी प्रमुखता से, उससे जुड़े हुए सवाल जो हैं वो सरकार से पूछे गए हैं, और आज देशव्यापी प्रदर्शन भी कांग्रेस का रहा है। लेकिन इस विषय पर चर्चा करके ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सरकार को क्यों नहीं लगता है कि देश प्रदेश में महंगाई है, आखिर सरकार ये क्यों मान रही है, ये क्यों कह रही है कि देश प्रदेश में लोगों की जो इनकम है, जो सहूलियतें हैं वो इस कदर बढ़ी हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक आंकड़े के अनुसार ये भी बताया गया है कि हर साल करीब 7.5% की महंगाई जो है वो बढ़ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं मानी जाती है। लेकिन एक दूसरा आंकड़ा उसमें ये भी है कि जो खाने पीने के सामान हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके दामों में करीब 15% की वृद्धि हो रही है। ये बहुत बड़ा समस्याओं से घिरा हुआ प्रश्न है जिसका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे आज की इस डिबेट में। बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। दो राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, तीन राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की आरएसएस की, इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है। भ्रष्टाचार करने वाले काले कारनामे करके, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए संसद से सड़क तक आएंगे तब भी सच झूठ नहीं हो जाएगा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो बेल पर है और जेल जाने से डरते हैं, उनको जांच एजेंसियों का डर क्यों है? हम लोगों के कपड़े फाड़ दिए हैं, मुझे किसी का ये अंगोछा लेके ओढ़ना पड़ा क्योंकि हमारे कपड़े फट गए। हमें एक बस में अज्ञात लोकेशन लिया जाया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं है, यहाँ पर महिलाएं हैं इस बस में। कैसे और कहाँ लेकर ये जा रहे हैं? कहाँ महिला कांस्टेबल इस बस में? इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद, ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम? हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद। जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया वही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ढह गया। क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की ईडी जांच होगी? क्या सीबीआई जांच होगी? जो 15,000 करोड़ का एक्सप्रेस वे है, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, अगले दिन ढह गया हो, क्या इसकी ईडी जांच होगी? क्या सीबीआई की जांच होगी? महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। शबनम पांडे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा हमारे साथ चंचल यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सैयद मोहम्मद तकिया हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अमित गुरु हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमित गुरु आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि आज आप लोगों ने देशव्यापी प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन को लेकर के बीजेपी की तरफ से जो बयान आए हैं उस बयान में ये कहा गया है साफ तौर पर कि आप लोगों ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर किया। महंगाई तो कहीं है ही नहीं, सरकार कई दिनों से बोल रही है, उसने कई सारे तर्क भी दिए हैं, उसके बावजूद ये प्रदर्शन क्यों? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं जी। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से आज कहा कि सारी संस्थाएं एक तरफा वो सत्ता पक्ष के अधीन हो चुकी है,
आप देखिए जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, मैं किसी संस्था का नाम नहीं लूंगा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे हैं। अभी आपने जब डिबेट के शुरुआती दौर में अपनी परिचर्चा में अपनी बात जब रखी तो आपने स्वयं को उद्बोधित करते हुए बोला कि आज हम जैसे लोग परेशान है महंगाई से। जी। आप जिस चीजों को महसूस कर पा रहे हैं उस चीज को निर्मला सीतारमण जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है जी। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि देश में महंगाई है। कितनी हास्यास्पद बात है सदन में इस तरह का सर्वनाश बयान देते हुए, और पूरा आपने कहा कि उन्होंने साक्ष्य रखा है। अरे भाई महंगाई का साक्ष्य क्या है? लगभग 113% सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं जी। लगभग जो है सोयाबीन तेल के दाम 76% बढ़ गए हैं जी। नमक के दाम लगभग 30% बढ़ गए हैं जी। लौकी बैगन गोभी अपने गले में लटका कर वो समय याद करी जब स्मृति ईरानी जी सड़कों पे फैल जाती थी जी। तमाम इनके नेता सड़कों से उठते नहीं थे जी। आज एक डिबेट पे एक इनके प्रवक्ता का मैंने बयान सुना कि जब हम लोग आंदोलन किया करते थे तो हम आम जन के कोई परेशानी नहीं देते थे, हम सड़क पे नहीं लड़ते थे जी। आना जाना सब सुचारू रूप से जारी रखते थे। और सच्चाई है कि ये लोग आलू बैगन भंटा लेके ये सड़क पे बैठ जाते थे। आज स्थिति है 8 साल के इनके शासन सत्ता में, आज 8 साल के जो महंगाई दर है वो सबसे अधिक है। आज गैस सिलेंडर के मामले में लगभग 4 करोड़ से अधिक लोगों ने दोबारा सिलेंडर रिफिल नहीं कराया। दो दो बार उज्ज्वला गैस की योजना लाके सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन आपने इस देश की जनता को उस हाल पे छोड़ दिया जहां उनके पास एक बार भी रिफिल करने की क्षमता नहीं बची है जी। और तो और आज सब्सिडी के रूप में 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर होते हैं, कईयों के तो खाते में सब्सिडी नहीं ट्रांसफर हो रही है। लेकिन अमित भाई सरकार भी इस चीज को कह रही है, सरकार के नेता प्रवक्ता इस चीज को कह रहे हैं कि आप लोग अपनी जांच से बचने के लिए प्रेशर कर रहे हैं सरकार के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि अभी तक आप लोगों ने महंगाई को लेकर के कुछ नहीं बोला, जैसे आप लोग की जांच बैठी आप लोगों ने ये बोल दिया कि महंगाई बहुत हो गई है। बिल्कुल सही बात है नितिन जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आज पूरे सिनेरियो में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की सत्ता में आई है या तमाम राज्यों में बैठी है, आपने जब भी देखा होगा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोग सड़कों पे इनके महंगाई, इनके भ्रष्टाचार, इनके बेरोजगारी, महिलाओं के उत्पीड़न और तमाम तरह की इनके संस्थाओं के द्वारा जो दुरुपयोग कराते हैं लोगों के ऊपर, हमेशा हम मुखर होकर आवाज उठाए। आज इनके पास सही बात यह है कि अभी इन्होंने तिरंगे का एक नया शगुफा निकाला है। वो शगुफा क्यों कह रहे आप समझिएगा, मैं शगुफा इसको इसलिए कह रहा हूँ कि बायकॉट चाइना की बात करने वाले ये संघी लोग आज उस चाइना से तिरंगा मंगा रहे हैं और भी पॉलिस्टर का, हमारे संविधान में खादी के उस तिरंगे को भी दरकिनार कर रहे हैं। और सवाल तो यह है कि 52 साल तक नागपुर के अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर इन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया। अच्छा, 52 साल तक तिरंगे का बहिष्कार करने वाली पार्टी आज किस मुंह से तिरंगा यात्रा निकाल रही है, मैं तो मेरे तो समझ से परे है। ठीक है ठीक है अमित भाई, बहरहाल महंगाई के मुद्दे पे ये ईडी सीबीआई चाहे जितने अपने संस्थानों को चाहे वो कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के पीछे लगाते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की इसकी डर की राजनीति के खिलाफ हमेशा हम मुखर रहेंगे और लड़ेंगे और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, मैं आऊंगा चंचल यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। चंचल भाई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आज ईडी को लेकर के सवाल खड़ा किया, उन्होंने कहा कि जो ये एक्सप्रेस वे बना था जो धस गया है क्या उसकी भी ईडी की जांच होगी, तो आप लोग कुल मिलाकर के ईडी को क्यों घेर रहे हैं? दूसरी चीज, महंगाई को लेकर के सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि सुविधाएं इतनी बढ़ गई है, महंगाई तो बढ़ेगी और महंगाई कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। देखिए नितिन जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जहां आपने पहला सवाल किया था, देखिए ईडी आज के टाइम में केवल ईडी ही नहीं बल्कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितने भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं, सारी के सारी चीजों का जो है लगातार बीजेपी जो है उसका हनन कर रही है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस तरीके से आप देखें लमसम पिछले
कुछ सालों में 5 से 6 हजार केस ईडी के लमसम हुए होंगे और ये सारे के सारे केस जो है केवल विपक्षी नेताओं के ऊपर ही, विपक्षी पार्टियों के ऊपर ही किए गए हैं। क्या आप मुझे बताइए कि क्या पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का एक भी नेता भ्रष्ट नहीं है? अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर एक इनके राज्य मंत्री दिनेश खटिक जहां स्पष्ट तौर से कहते हैं कि इन्हीं के मंत्री जो है जो इनकी नमामि गंगे योजना है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्या वहां पीडी को नहीं जाना चाहिए था? अभी आपका जो 15,000 करोड़ का जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने आज जो उन्होंने क्या नाम उठाया है कि भाई क्या उसकी ईडी से जांच नहीं होनी चाहिए? लेकिन आप मुझे बताइए आज के टाइम में एक एक डिपार्टमेंट की मैं आपको बात बता दूंगा, एक एक डिपार्टमेंट में बड़े बड़े भ्रष्टाचार है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी आपका विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, कोई एक डिपार्टमेंट आप नितिन जी उठा के देख लीजिए, आज के टाइम में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ठीक है, आप पुलिस की जहां तक बात कर लिए, पुलिस में अगर आप एक छोटी सी FIR आपको लिखानी है आपको मालूम पड़ जाएगा कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। शिक्षा विभाग में आप ले लीजिए, जितने ट्रांसफर पोस्टिंग मैं आपको बताऊं, सफाई कर्मी से लेकर के प्रमुख सचिव तक, मतलब DM SP तक के ट्रांसफर में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और इनको दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ी बात है कि जो इनकी ईडी है ना, ये इनके एक चीज समझ नहीं आती कि कौन सा जैमर लगा रखा है इन लोगों ने कि ये बीजेपी के नेताओं तक पहुंच ही नहीं पाती है। और मैं बताऊं कि ईडी का जो यूज हो रहा है वो कह सकते हैं आपके एंड ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र को खत्म करने की। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि इनको महंगाई भी नहीं दिखाई देती है। मैं सीधी बात है, अभी आपने देखा होगा, आपने क्या नाम कि हमारी आदरणीय जो है क्या नाम है वित्त मंत्री साहब ने स्पष्ट जवाब दिया था उन्होंने कि भाई हमें तो महंगाई दिखाई नहीं देती है। मैं बताऊं, शर्म आनी चाहिए देश के जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोग इस तरीके से बातें करते हैं, देश के आम जनता के मखौल उड़ाते हैं और जो आम जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आप इमेजिन करिए, एक आम आदमी जो अपने बच्चों की फीस को लेकर के परेशान है, आज के टाइम स्कूल में फीस की आप देख लो, आज किसान जो है, मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं आपको बताऊं नितिन जी, अगर 1 बीघे अगर धान की रुपाई किसी ने किया होगा तो 11 से 12 हजार रुपए की कॉस्टिंग आ रही है। और आप सोचिए, वहीं पे एक तरफ जहां हमारे जो है उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाकों में सूखा पड़ रहा है और कई सारे इलाकों में बाढ़ भी आई हुई है, लेकिन आप सोचो कि किसान अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य मैं छोटा सा याद दिलाता हूँ, शायद सबनम पांडे जी बैठी हुई है, उनको भी शायद याद आ जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी एक वादा किए थे और एक महाराष्ट्र में और कई सारी रैलियों में वादा किए थे कि भाइयों बहनों जो है आजादी के 75 साल जब पूरे होंगे तो हिंदुस्तान के एक एक आदमी के पास, एक एक किसान के पास, एक एक गरीब वंचित शोषित के पास, सबके पास पक्का मकान होगा। वो पक्के मकान ही नहीं होंगे बल्कि उस मकान में छत होगी, उस मकान में जो है नल होगी, उस नल में पानी भी आएगा, सौर ऊर्जा भी होगी, ये सारी चीजें, और उसको मात्र केवल 11 दिन बचे हैं। ठीक है सर, उस वादे को लेके 11 दिन बचे हैं और आज के टाइम में चैलेंज करता हूँ शबनम जी, उस बात के ऊपर एक जवाब नहीं दे पाएंगी। ठीक है, मैं जवाब ले लूं। शबनम जी, ये चैलेंज कर रहे हैं चंचल यादव आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर उतरकर काले कपड़े में अपनी काली कमाई पर जब ईडी छापा मारती है तो उसका विरोध करते दिख रहे हैं, ये शर्मनाक है। जनता ने उनके इसी काले कारनामे की वजह से उन्हें एक तरफ कर दिया है। और दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा सबके पास घर होगा, सबके पास नल होगा, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी की मंशा साफ है और उस पर कार्रवाई चल रही है, लगातार योजना धरातल पर उतर रही है। मुझे 11 दिन का अल्टीमेटम देने वाले विपक्ष बताएं कि लंबे समय तक उत्तर प्रदेश हो या देश में जो भी पार्टियां बैठी है वो लंबे समय से देश में राज करती रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश में, उन्हें शर्म नहीं आती ये बोलते हुए कि बताएं 11 दिन में क्या हुआ। उनसे जनता यही जानना चाहती है कि बताएं इतने लंबे समय तक सत्ता में बैठ के आज भी अगर नल चाहिए जनता को, आज भी घरों में बिजली चाहिए, आज भी घर चाहिए, आज भी शौचालय चाहिए, और ये चिंता हमारी सरकार को 8 साल तक करनी पड़ी और सरकार देती रही, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। हमें जवाब देने के लिए मत कहिए, हम तो काम कर रहे हैं और शायद काम कर रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के तहत, तो जनता हमें सहयोग भी कर रही है, जनता हम पर विश्वास भी कर रही है। जो लोग माफियाओं के, भ्रष्टाचारियों के, अगर ईडी या जो भी जांच एजेंसियां हैं वो कार्रवाई कर रही हैं, काली संपत्तियां सामने
जब्त करके दिखा रही हैं और उसके बाद कहते हैं कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब जनता के लिए सरकार के लिए काम कर रही है। मैं कह रही हूँ खाली इंफ्रास्ट्रक्चर मत बोलिए, जनता और इंफ्रास्ट्रक्चर जनता सरकार के ईमानदार प्रयास के तहत निष्पक्षता के साथ कार्य कर रही है। और शायद यही एक बात है जो विपक्ष को आज महंगाई दिखा रहा है, बेरोजगारी दिखा रहा है, तमाम चीजें। मैं मतलब मैं ये माना जाए मतलब नहीं, मैं ये सुन लीजिए, मैं मानती हूँ कि महंगाई है, ये मैं नहीं कहती महंगाई नहीं है, पर महंगाई या कोई विकास कार्य, सुन लीजिए, महंगाई और विकास कार्य आपकी वित्त मंत्री ये भी मानने को तैयार नहीं कि महंगाई है। मैं इस बात को कह रही हूँ, आप वित्त मंत्री के बयान को शायद आप पलट रही हैं। पूरी बात सुन लीजिए मेरी बात, महंगाई या विकास कार्य, हम अगर कहें हमने बहुत विकास किया तो क्या विकास किया, पिछली सरकार से तुलना करके बताएंगे। वैसे ही महंगाई भी तुलना करके अगर बताया जाए, क्योंकि महंगाई तुलना नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर मेरे पिताजी कहते थे 500 रुपए में मैं एक थैला ड्राई फ्रूट्स खरीद के लाती थी, तो मैं जब गृहस्थी संभालती थी तो 5 रुपए में चीनी लाया करती थी, और आज मैं ला रही हूँ उससे महंगा, लेकिन कभी भी महंगाई कम नहीं। तुलना कर लीजिए ना, मैं जी सिलेंडर आपका 432 रुपए का 1150 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। हाँ तो मैं ये भी बता दूं, 2000 मैं गृहिणी भी हूँ, मैं गृहिणी हूँ, बता रही हूँ 2011 से लेके 13 तक में आप देख लीजिए सिलेंडर कितने में आता था। गृहिणी है आप? एक हजार मैं एसी वाली गृहिणी रहूं या कूलर वाली गृहिणी रहूं या पंखे वाली, इस पर आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपकी पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके जैसे चोरी करके संपत्ति नहीं कमाई है, नौकरी करके कमाई है, इसलिए आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते कि मैं एसी लगाई हूँ कि पंखा या कूलर। मैंने किसी से जमीन नहीं अड़पाया, मैंने 5 करोड़ की गाड़ियां नहीं खरीदी नोटबंदी के बाद, मैं साइकिल से चलने वाले से होके अगर गाड़ी से चलने वाले तक हूँ तो करोड़ों की गाड़ी खरीदने की हैसियत नहीं रखती हूँ। नौकरी करके ईमानदारी से काम किया, राजनीति करके ईमानदारी से काम किया, जमीन हड़पने का काम नहीं किया, इसलिए इस पर तो आप आपत्ति लगाना बंद कर दीजिए। कौन एसी लगा रहा, कौन ये आय से अधिक संपत्ति में सपा के भी प्रमुख रहे, आय से अधिक संपत्ति में भाजपा के भी प्रमुख रहे। हेलो जी बोलिए मैम, चंचल यादव कह रहे हैं एसी की चर्चा आप करती हैं इसीलिए इन्होंने याद दिला दिया। नहीं मैं एसी की चर्चा नहीं करती हूँ चंचल यादव, क्योंकि एसी में बैठ के राजनीति करते हैं, इसलिए ये बार बार एसी, अगर मैं एसी लगाती हूँ तो अपने खून पसीने की कमाई से किसी का जमीन हड़प कर दें। एसी पे चर्चा कर लेंगे, अभी मुद्दे पे हम लोग रहते हैं। अब दूसरी बात, जब काली संपत्ति जनता के सामने सभी लोगों के सामने आ रही है तो उस पर ये हाहाकार क्यों कर रहे हैं? माफियाओं का अतिक्रमण किए हुए जमीन को सरकार कब्जा करती है उस पर ये हाहाकार, ये क्यों बेमानों के नमामी गंगे भ्रष्टाचार जो हुआ आपके मंत्री ने आरोप लगाया है उसके लिए ईडी आपकी कब आएगी उत्तर प्रदेश में? मैं उसके ये लिए मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप नहीं आना चाहिए क्या? एक और बहुत दिलचस्प आंकड़ा बताती हूँ, किसी चैनल पे आपने नहीं देखा होगा, एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि 1974 में आपको आश्चर्य होगा कि 1974 में आप जो महंगाई दर है वो 28.60 था 1974 में। क्या सदी की महामारी आई थी 74 में? मैं पूछना चाहती हूँ, ठीक है मैं जवाब ले लूं, मैं जवाब ले लूं, आज क्या है 7.00 कुछ है, ठीक है मैं जवाब ले लूं, 28.60 अगर 1974 में था, 8 से 13 देख लीजिए डबल डिजिट में महंगाई दर रही। लोगों को समझ नहीं आता, ये लोग लगातार अनर्गल बयानबाजी करते हैं। नहीं अनर्गल बयानबाजी नहीं, ये अपने भ्रष्टाचार जमीन हड़पने का अवैध संपत्ति छिपाने के लिए ये सारे हाहाकार। अमित भाई जल्दी से बोलिए फिर तकी साहब के पास सुनूं क्या कह रहे थे। देखिये दो तीन बातें मोटी मोटा भी जो बीजेपी की हमारी बहन ने कहा, एक भ्रष्टाचार और काले कमाई की बात इन्होंने की। ये काला कपड़ा पहन के मैं बैठा हूँ, इन्हीं के विरोध में बैठा हूँ, आज आप काला पहन के भी शबनम जी के विरोध में ही बैठा हूँ। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अभी आप देखिए 2G भ्रष्टाचार की ये बात कर रही हैं। हाँ। 2G के घोटाले की बात जब इन्होंने हो अल्लाह मचाया था 2008 के बैठक को लेके, और जब 1.76 लाख करोड़ का नुकसान बताया गया था, आज जब इन्होंने 5G का अलॉटमेंट किया
तो देखिए वो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास में हो गई, और वह भी लगभग 20 वर्षों में उसको चुकाना है। कितना शानदार भ्रष्टाचार का तरीका आज तो विनोद राय भी दिखाई नहीं देते। ठीक है सर, ठीक है, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा अमित भाई, मैं आऊंगा अमित भाई। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी करूं संक्षेप में। हाँ, थोड़ा सा। जिस प्रतिक्रिया की बात हो रही है, ईडी की बात हो रही है, शबनम जी किसी एक नेता का नाम, बीजेपी के या इनके साथ के सहयोगी पार्टियों के किसी एक नेता का नाम बताते जिनके खिलाफ 2014 के बाद ईडी उसके दरवाजे पर पहुंची हो। ठीक है, पूरी तरह से ये लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं आऊंगा। और इसीलिए राहुल जी ने कहा कि सारी संस्था हमें दे दो, बता दे कि सत्ता कैसे आती और जाती है। ठीक है, सैयद तकी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से। तकी भाई, शबनम जी ने कितने अच्छे से ब्रीफ किया महंगाई को लेकर के और जांचों को लेकर के, अभी भी आपको लगता है कि महंगाई है? नहीं साहब, महंगाई कहाँ है, महंगाई तो सिर्फ किताबों में पन्नों में है, महंगाई कहाँ है। शबनम जी भी बयान दे रही है महंगाई, मुझे तो महंगाई दिखती नहीं, नहीं। तो फिर आप लोग क्यों बवाल काट रहे हैं? देखिए, असल में क्या है कि हमने सत्ता का चश्मा नहीं लगाया हुआ है, हमारे बड़े बड़े दफ्तर नहीं बन गए अभी हम लोग सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हमको महंगाई दिखती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता भूख भोग रहे हैं। नहीं, नहीं, आप जो, और आप सावन के अंदर सुन तो ली शबनम जी, अरे पूरी बात सुन लीजिए, अरे रुकिए तो सही, ठहरिए तो सही, समझिए तो सही, बात सुनिए पहले पूरी। आप अपने खर्चे बताइए ना, जिस तरीके से पानी की तरह टैक्स के पैसे आप लोग अच्छा आप लोगों क्या बात कही आपने भाई, वाह आप बताइए सबसे। अरे भाई 2014 में 56 रुपए पे हमने डीजल दिया था, और आप फ्रीबी की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अमित भाई पांडे जी, अमित भाई और महंगाई की आप सफाई दे रही हैं। ठीक है अमित जी, मैं आऊंगा। हाँ, शबनम पांडे जी, प्रधानमंत्री जी ने जो फ्री रेवड़ी का स्टेटमेंट दिया है, उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। फ्री स्टेटमेंट देने के बाद, फ्री रेवड़ी की बात करने के बाद, भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो जनता कल्याण के लिए, जन कल्याणकारी सरकारें बनती जनता कल्याण के काम करती हैं, और कोई पार्टी किसी, अरे आप पूरी बात सुन लीजिए, आप डिबेट कर लीजिए, आप लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट। शबनम पांडे, आई एम नॉट कंप्लीटेड। देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीतती है देश का बच्चा बच्चा जानता है। अगर आपको कक्षा 6 के मॉनिटर का भी चुनाव लड़ना पड़े, उसमें भी ईडी सीबीआई जेल पूरे प्रशासन सब आप लगा देंगे उसको कक्षा 6 के चुनाव जीतने के लिए, तो हमको ना बताइए आप चुनाव कैसे जीतनी है। सब लोगों ने देखा है, और प्रशांत किशोर ने भी कहा है, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा था, और सब लोगों ने कहा कि आप कैसे चुनाव जीतते हैं। किसी ऐसी संस्था को आपने छोड़ा नहीं जिसका आप चुनाव में इस्तेमाल न करते हो। प्रधान, आपने तो राष्ट्रपति चुनाव के अंदर भी ईडी को इस्तेमाल किया है। ये जो प्रतिपक्ष के नेता थे, राष्ट्रपति चुनाव के कैंडिडेट थे जशवंत सिन्हा, उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी ईडी को इस्तेमाल किया है, और ईडी को आपने इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बना दिया है। ईडी जो इन्फोर्समेंट जी, आप बोलिए, मैं बोल लूं, सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, बोलिए। आप अगर भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े दिखेंगे तो बोलना पड़ेगा ना। नहीं, भ्रष्टाचारियों के साथ कौन खड़ा है, पूरा देश देख रहा है। भ्रष्टाचारियों के साथ कौन खड़ा, पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है, वो तो देश देख रहा है। भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार हो गया है, बलात्कार सत्कार हो गया है। बलात्कारियों से छड़ आपने, भ्रष्टाचारियों से छड़ आपने, जो लोग क्राइम करते हैं आपके आरएसएस उसमें चले जाते हैं। आपने देखा क्या हुआ रायबरेली में, आपने देखा लखीमपुर में क्या हुआ, आप देखा बुंदेलखंड में, सब जगह बहुत सारे एग्जाम्पल है, पूरा उपन्यास लिखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इस तरह क्राइम बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो आप ये सब बातें ना बताइए, बेहतर होगा उपन्यास ही लिखिए, क्योंकि जनता उपन्यास ही लिखने के लिए छोड़ेगी। जनता जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की असलियत को बहुत जल्दी जान गई 8 साल के अंदर। जो आप वादे करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बात भाजपा सरकार, आप जनता कह रही है भाड़ में गई भाजपा सरकार, हमें सरकार ऐसी चाहिए। आपने अदानी अंबानी को पैसा कमाया, जनता को गरीब किया, एक व्यक्ति अदानी है वो भारत के अंदर 11,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, और यहाँ जनता 50 रुपए रोजी कमा पा रही है। 11,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहे अदानी, उसमें ईडी का छापा नहीं होता। अदानी अंबानी की संपत्ति बढ़ती जा रही, उसमें ईडी का छापा नहीं होता। आपने सरकारी चीजों को बेच दिया है, जितने भी पीएसयू बनाए गए थे उनको बहुत कम दामों पे अपने दोस्तों को बेचा, वो भी उन्होंने खरीदा जनता के पैसे से। 11 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया आपने, उसी 11 लाख करोड़ के लोन से उन्हें एलटीसी खरीदा। ठीक है, प्लीज, पर कोई और प्रदेश काम दे तो आऊंगा सर, आऊंगा। अरे आप दो ही लोगों को काम मिलता भाई, और भी लोग हैं भारत में, 137 करोड़ की आबादी है, सिर्फ दो लोगों के लिए भारत को सब बनाया गया। ठीक है तकी भाई, ठीक भाई, तो राजस्थान उन्हीं को काम दे रही है, आप भी उन्हीं को काम दे रहे हैं तो आपत्ति नहीं है आपको? ठीक है मैम, मैं आऊंगा। सुभाष जी, दो चीजें निकल के सामने आ रही, दो तरह के लोग हैं यहाँ पर।
और शायद हम सबके बीच में भी जनता भी है, एक जो सत्ता के साथ है एक जो विपक्ष के साथ है। सत्ता वालों को महंगाई दिखती नहीं है, विपक्ष वालों को महंगाई दिख रही है, आपको क्या लगता है? देखिए नितिन, सबसे पहली बात तो इसके अंदर गौर करने वाली बात है कि 8 सालों के अंदर अगर कैलकुलेट किया जाए तो आज के दौर की जो महंगाई दर है 8 सालों के अंदर सबसे अधिक है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 के अंदर सरकार के अंदर आई, उसके पहले एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। तो जो मुद्दे के ऊपर आई थी भारतीय जनता पार्टी सरकार, उस मुद्दे के अंदर कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि महंगाई की दर कहां थी और उसको कहां लेके चली गई। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मैं ये नहीं बोलता कि पूरी तरीके सरकारी जिम्मेदार है, लेकिन उसकी नीतियां तो जिम्मेदार है। मोटे तौर पर महंगाई का जो होता है मुद्दा, मांग और आपूर्ति के ऊपर निर्भर करता है। जिस प्रकार मांग बढ़ती जाएगी और उसकी आपूर्ति कम होती जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर दायरा जब सीमित हो जाता है तो बाजार पूरी तरीके से प्रभावित होता है और महंगाई बढ़ती जाती है। इस महंगाई के बारे में कहीं ना कहीं सरकार को चिंतन तो करना भी चाहिए और उसके बारे में रणनीति भी बनानी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं या जो बड़े बड़े मंत्री विधायक हैं, जिस प्रकार बयाना देते हैं कि नहीं महंगाई तो कहीं है नहीं, तो इनको महंगाई देखने के लिए सही तरह से देखा जाए तो इनको जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा। महंगाई है, इस चीज को मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस महंगाई की बात करते करते जिस प्रकार की बातें चल रही थी, जैसे कि सपा के प्रवक्ता जी ने बोला ईडी सीबीआई की बात कर रही थी, जांच एजेंसियों की बात कर रहे थे, इनका दुरुपयोग हो रहा था, तो चंचल जी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, हमारे सम्मानीय अमित गुरु भाई बैठे हैं, इनकी सरकार थी 40-50 साल पहले, आप ही के नेताजी आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर इन्हीं की सरकार ने जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया था, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? लेकिन उसके बाद भी 2012 के अंदर, 2017 के अंदर आपने गठबंधन किया था, आऊंगा सर आऊंगा, तब आपको दुरुपयोग नहीं दिखा। पक्के मकान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इस चीज को मानते हैं कि 2012 से 2017 के बीच में सपा का सरकार का फेलियर था, आप उस चीजें नहीं दे पाए जो आप इल्जाम लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। एसी वाली राजनीति की बात भी आपने की, यानी कहीं ना कहीं आप इस बात पे मोहर जरूर लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बोला कि अखिलेश यादव एसी के अंदर बैठ के राजनीति करते हैं, वो आरोप आप अपने ऊपर न लागू करते हुए आपने महिला गृहिणी के ऊपर आरोप लगा दिया। अब महिला है, गृहिणी है, वो एसी के अंदर अपना खाना पकाए या उसके अंदर वो कूलर चलाए, वो उनका व्यक्तिगत है, लेकिन आप इस तरह से जो टिप्पणी करेंगे ये भी कहीं ना कहीं आपको शोभा नहीं देता है। बीजेपी का इसके अंदर भी मैं टारगेट करूंगा कि शबनम जी ने बोला कि बीजेपी ने अपनी काली की कमाई ढकने के लिए, काली जो कमाई थी उसको ढकने के लिए काले कपड़ों के अंदर प्रदर्शन किया। शबनम जी, कांग्रेस ने अगर प्रदर्शन भी किया, चलिए मान लेता हूं मैं आपकी बात, लेकिन महंगाई के ऊपर प्रदर्शन किया ना, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। ये देश के अंदर वास्तविकता है कि देश के अंदर इस बात को जब पूरी तरह से गौर किया जाए तो देश के अंदर महंगाई अधिकतम स्तर के अंदर है। उस चीज को ढकने के लिए अगर आप कांग्रेस को बोले कि नहीं काली कमाई को छुपाने के लिए, काली कमाई को ढकने के लिए काले कपड़ों के अंदर प्रदर्शन किया, तो ये आप अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। इस तरह आप नहीं बोल सकते किसी को भी, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपकी नाकामी है। मैं मान रहा हूं कांग्रेस ने जो बोला कि महंगाई का जब विरोध करते इनकी सरकार के अंदर प्रदर्शन करते, स्मृति ईरानी गैस का सिलेंडर लेके उतर आती थी, माला पहन लेती थी, गोभी गालू का जो भी है, तो भाई अमित जी आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया ना, ठीक है भारत देश के लोगों को ध्यान में रखकर, महंगाई को देख के ध्यान में रखकर आपने प्रदर्शन किया, लेकिन आपकी टाइमिंग गलत थी। नेशनल हेराल्ड केस की जो जांच चल रही है उसी को ध्यान में रखकर आपने प्रदर्शन क्यों किया? आप यानी कि देश का जो मुद्दा है उसके अंदर आप ध्यान हटाना चाहते हो कि कांग्रेस का मेन उसके अंदर रोल क्या है? तो टाइमिंग आपकी भी गलत है, आप भी अपनी चीजों को छुपाने के लिए चीजों को नहीं बोल सकते, देश आपको भी देख रहा है। मेरे काबिल दोस्त प्रवक्ता आम आदमी पार्टी शहीद भाई ने बोला कि ईडी का दुरुपयोग करती भारतीय जनता पार्टी और उसी प्रकार जीतती है। तकी साहब पंजाब में आप कैसे जीत गए? ईडी का दुरुपयोग हुआ था, सीबीआई का दुरुपयोग हुआ था, अगर दुरुपयोग होता तो आप कैसे जीतते? वहां तो कोई दुरुपयोग नहीं हुआ। अगर दुरुपयोग हो रहा है, बोल रहे भारतीय जनता पार्टी का दुरुपयोग हो रहा है, वो चीजों को इस तरह यूटिलाइज करती है तभी वो चुनाव जीतती है, तो अगर उसने यूटिलाइज किया होता तो पंजाब में उसने यूटिलाइज क्यों नहीं किया? ठीक है, दिल्ली में 3 या 4 बार आपने सरकार बना ली, वहां पे यूटिलाइज क्यों नहीं किया? ठीक है सर, ठीक है, कहीं ना कहीं चीजों को देखना बहुत जरूरी है। तो फिर शबनम जी के पास होगा, मैं मार रहा हूं उसके बाद। सबसे पहले तो मैं सुभाष जी का धन्यवाद करूंगा, बहुत सारी चीजों ने प्रकाश डाला, बहुत बेहतरीन तरीके से डाला। सुभाष जी, मैं एक चीज आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय अखिलेश जी जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके बारे में आपने जो बात करी एसी की,
इसी की बात जो है बीजेपी केवल अपने मुद्दों को, जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो आज आम जनता के, आम जनमानस के जो मुद्दे हैं, उसको भटकाने के लिए आए दिन करती थी। मेरी सबनम जी से अभी लास्ट टाइम जो डिबेट थी हमारी एक दो दिन पहले, वहां पे इन्होंने एसी का जिक्र किया था, मैं जवाब नहीं दे पाया था, इसलिए मैंने इनको जिक्र किया था। एसी चिल्लाती है इसलिए मैंने एसी का जिक्र किया। जस्ट जहां बैठती है पीछे एसी लगी होती है, मैं उस बात में नहीं आऊंगा। लेकिन आपको कैसे पता चिल्लाती है लेकिन एसी की बात करती है, खुद ऐसी बैठती हैं। सुन लीजिए, मैं उस बात आ रहा हूं। चंचल जी, मैं छोटा सा जोड़ लीजिए, यहाँ पे एसी की राजनीति की बात हुई थी, लेकिन आपने जो पर्टिकुलर बोला कि वो एसी वाले गृहणी है, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया ना। नहीं, आप जब बता रही हैं, जब आप बता रहे हैं गृहणी होकर के बता रहे हैं, आपको महंगाई नहीं दिखाई देती है तो शर्म आती है इस बात की। आप खुद सोचिए कि आज के टाइम में गैस सिलेंडर 8 साल पहले जो 450 रुपए का मिलता था, आपको 1150 रुपए का मिलता है। आप शायद सिलेंडर भरवाने जाती होंगी, आपको जानकारी होनी चाहिए। जो डीजल पेट्रोल आज अगर जाती होंगी कहीं आप, तो डीजल पेट्रोल की आपकी लमसम डबल हो गया रेट। आप कोई भी एक सामान उठा के देख लीजिए, पिछले 7 से 8 सालों में चीजें डबल हो गई हैं। उन बातों पे मैं अभी नहीं आऊंगा, पहले सुभाष जी के जवाब दे दूं, जिन्होंने आपने हमारे राष्ट्रीय जगह पर अपने सवाल खड़ा किया, मैं उसका जवाब देता हूं। आप मुझे बताओ कि पूरे हिंदुस्तान में या पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नेता बताओ जो गांव गांव गली गली तक साइकिल चलाया हो, जो आपके बताएं एक एक कार्यकर्ता की तरह ही हो, शादी हो, विवाह हो, वहां तक पहुंचने का काम करते हैं हमारे आदरणीय सवाल वो नहीं था। सुन लीजिए, देखिए, और जहां तक आप लोग केवल एसी की बात करते हो, आप बताओ एक एक जिले का, एक एक जिले में एक एक आदमी को मैं बताऊं जितना कार्यकर्ता का जो है क्या नाम है सम्मान करने का काम करते हैं, चाहे तेरे ही हो, भोज हो, कोई भी प्रोग्राम हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पहुंचने का काम करते हैं, आम जनमानस तक पहुंचने का काम करते हैं, आम आदमी तक पहुंचने का काम करते हैं। आज के टाइम में पार्टी कार्यालय से लेकर कोई अगर आदमी, गरीब आदमी से लेकर के किसी भी सेक्टर का किसी को जरूरत पड़ती हो आता है, उसकी मदद करने का काम करते हैं, उसे घर तक पहुंचने का काम करते हैं, और आप उनके ऊपर जो आरोप लगाते हो क्या नाम चंचल जी, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैं कंप्लीट कर दूं इसमें। चंचल जी, मैंने आरोप नहीं लगाया था, एसी वाली जो बात, एसी की राजनीति की जो बात कर रहे हैं आप ही, के कुछ दिनों पहले जो घटक दल थे, सहयोगी दल थे, ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया, देखिए, और कई लोग ऐसे आरोप लगा चुके, लेकिन आपने जब एसी गृहणी वाली बात की थी ना, देखिए, तब मैं उस पर आया। ओम प्रकाश जी के पास जो, मैं उन बातों पे नहीं आऊंगा, सुन तो लीजिए, लेकिन मैंने उस पर नहीं, मेरा बोलना यह था कि जिस ईडी और सीबीआई की जांच का दुरुपयोग करने की आप बात बोल रहे थे, तो आपको मैंने पूछा भी और बोला भी, थोड़ा सा पीछे अगर जाएंगे पता चलेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच बैठी थी कि नहीं बैठी थी, तब कांग्रेस सरकार थी, तब 2017 में आपने कांग्रेस गठबंधन कैसे किया। जवाब दे दूं, देखिए, सबनम जी की बात आ रही थी, भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, काली कमाई की बात कर रही थी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के सारे जिलों में ये 5-स्टार टाइप के होटल ये बनाते हैं, बीजेपी के कार्यालय बनाते हैं, ये कहां से पैसा इनके पास आता है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, डीएचएफएल 34,000 करोड़ का घोटाला हुआ, वो आम जनता का पैसा खा गया और इनकी पार्टी को 2900 करोड़ रुपए का चंदा देता है, और भ्रष्टाचारी नहीं ये लोग हैं, ठीक है, तो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारी नहीं है, ठीक है, किस मुंह से ये लोग बात करते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए, आप भ्रष्टाचार के जनक ये लोग हैं, ठीक है, शबनम जी, शबनम जी, देखिए, अभी हमारे पत्रकार महोदय ने कहा कि 8 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई है, इस बात से मैं इनकार नहीं करती कि 8 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई है, लेकिन ये जरूर चैलेंज करती हूँ कि 70 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई नहीं है, 20 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई नहीं है, 10 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई नहीं है, जब जब आप सुन लीजिए, 8 साल जो इधर हो गए, 14 साल आपके भी है, आप लोग बोलते बोलते ये भी भूल जाते हो कि 14 साल हमारे भी भ्रष्टाचार के रहे हैं उसी में, मेरी बात वो भ्रष्टाचार वाले समय आप नहीं याद करना चाहते, आप लोग ताबूत तक का घोटाला कर डाले, पर पिछले 20 साल में ताबूत भी अगर तक का घोटाला करने वाली आपकी पार्टी है, पिछले 20 साल में सैनिकों के, सैनिकों को कफन तक वो आपने छोड़ लिया, सिलेंडर और लौकी लेके बैठी थी तो महंगाई दर 13.02 था, आप समझिए, और आज 7.00 है, तो आप पीठ मत तपाइए, 450 का सिलेंडर 1150 रुपए का खरीद रहे थे आप, सब्सिडी ले रही क्या कर रही है, ज्यादा क्यों है, क्योंकि सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, ऐसी महामारी किसी के राज में नहीं आई, चाहे यूपीए की सरकार रही हो या हमारी ही सरकार रही हो, कभी भी ऐसी महंगाई, ऐसी सदी की महामारी नहीं आई, हम कोरोना से भी लड़े, यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध हो रहा है तो उस पर भी सप्लाई चेन पर असर पड़ा, पर मेरा जवाब भी ले लिया, जो बीजेपी के सारे कार्यालय बने हैं आगे उसका जवाब भी दे दीजिए, आगे हम 7% से आगे महंगाई नहीं है। शबनम जी, ये चंचल यादव कुछ कार्यालय को लेकर के बोल रहे थे, आपने जो कार्यालय सारे के सारे जिलों में बनाए हैं वो कहाँ के पैसे से बनाए हैं, वो कौन सा पैसा आया है, आप
आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाई 5 करोड़ की गाड़ी कहाँ से लाए? अब बड़ा आलिशान बंगला आए से अधिक संपत्ति में आप अपने बंगलों के, बड़ा आलिशान बंगला कहाँ से लाए? आपके सारे विधायक सांसद आप अपने कार्यालय में आप तो दूध के धुले हो ना, आप तो दूध के धुले हुए हो, आप बड़ी बड़ी जिक्र करो ना, उसका जवाब दीजिए। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब, सवाल का सवाल जवाब हो जाएगा। इसीलिए जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि जो कार्यकर्ता हमारी अच्छा है लगता था वो कार्यकर्ता। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमित गुरु, अमित गुरु, अमित गुरु, तकी भाई इसके बाद आ रहा हूँ। अमित गुरु कुछ कह रहे थे, काउंटर करना चाह रहे थे। अमित गुरु, नितिन जी देखिए बड़ा स्पष्ट है जी, बिल्कुल निर्मला सीतारमण के अंदाज में यहाँ बीजेपी की प्रवक्ता भी डिफेंड कर रही है महंगाई को लेकर। आप वो भी करिए जो मैंने बोला उसको, इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है, खुद में बहुत पीड़ित है महंगाई से। कोई मजबूरी नहीं है देश के अंदर, आपको कैसे इस देश के अंदर बताता हूँ चार लोग सरकार चला रहे हैं और चार लोगों की बात मानी जाती है, दो शासन सत्ता में बैठे हैं और दो बड़े उद्योगपति हैं। 4 लाख करोड़ रुपए ये अंबानी और अडानी के माफ कर सकते हैं, और आज जो कोरोना काल के ये वैक्सीनेशन की बात को लेकर स्वतंत्रता सेनानियों को जो शेयर होल्डर थे उनकी संपत्ति क्यों आपने हड़पी वो बताइए। अच्छा अमित भाई, अमित भाई, अमित भाई, अमित भाई, 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति क्यों हड़पी आपने नेशनल हेराल्ड के, उसका जवाब जनता को दीजिए। आजादी की लड़ाई लड़ने की तो बहुत अहंकार भरते हैं, दूसरी बात पर 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों की जवाब दीजिए। ईडी को लेकर सिंह यादव जी की बात कही, नहीं उन्होंने आपको लेकर के भी कही कि आप लोगों ने ठीक है प्रोटेस्ट किया महंगाई को लेकर के, अच्छी बात है, लेकिन समय खराब है आप लोगों का, समय गलत है। नहीं देखिए, देखिए नितिन जी जो भी हो, लेकिन आज आज इस देश ने शर्मनाक घटना देखी। जिस देश की सत्ता को महंगाई नहीं दिखती है उनको महंगाई दिखाने के लिए हम उनके दरवाजे तक पहुंच रहे थे, लेकिन सरकार को देखिए किस तरह से अभी 2 दिन पहले, 1 मिनट, अभी 2 दिन पहले अधीर रंजन की थोड़ी सी जवान भाषाई गलती की वजह से क्या थी, इन लोगों ने हाय तोबा मचा दिया, और आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी के बाल नोचते हुए घसीटते हुए जिस तरह से इन्होंने गाड़ियों में लादा, बिल्कुल ही बेशर्मी की जो सारी हद है वो पार कर जाती है। लोकतंत्र है कहाँ? आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारी आवाज नहीं सुनेंगे। अगर उद्धव ठाकरे से शिकायत है तो ईडी दौड़ा देंगे, अगर शिकायत है तो ईडी दौड़ा देंगे, अगर अमित भाई से कोई शिकायत है तो ईडी दौड़ा देंगे। अमित भाई सुन रहे हैं, बाबा रामदेव के साथ आप लोग ने जो किया था वो भूल गए? वो बेशर्मी नहीं, बाबा रामदेव तो आज दिखाई नहीं दे रहे, बाबा रामदेव ₹35 की वह व्यक्ति, वह झूठा व्यक्ति 30-35 रुपए का पेट्रोल बिकवा कर इस देश की सरकार बना दिया उसने, तो इसलिए आप उनके साथ ऐसा करेंगे? इन फरेबियों को समझिए, आज आज बाबा रामदेव दिखाई नहीं देता है, उस समय वो चाटुकारिता कर रहा था, आज पूरी तरह से सारे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, इनको सत्ता से उतरने दीजिए, ये राफेल में भी चल जाएंगे। अभी 5 करोड़ की गाड़ी की बात कर रही थी, देश की जो हालात है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, और इनके प्राइम मिनिस्टर 8,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदते हैं, अपना इनको नहीं दिखता है। सही बात यह है कि सच में सबनम जी भी महंगाई से पीड़ित है, वो बहुत दुखी है, बंद कमरे में रहती है, लेकिन चूंकि मोदी जी और अमित शाह जी से ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग किसी विधायक सबनम जी के पीछे लगे रहते हैं कि वो एसी में बैठ रहे हैं, कि वो महंगाई से परेशान है कि नहीं। बिल्कुल, मैं मेरी बहन की आंसुओं का दर्द समझता हूं, मैं मेरी बहन में इसलिए इनको आज समझता हूं, मैंने ऐसा नहीं बोला, जरूरत है वो सड़क पर आकर रोए, सही है, जरूरत है वो सड़क पर आकर रोए। आप लोग अपने कमाई का कितना परसेंट मुझे देते हैं बता दीजिए, ये कि मैं एसी खरीदूं कि नहीं, ये राजनीतिक बहस इसको राजनीतिक बहस रखा जाए, आप पर्सनल छींटाकपड़ी ना। एक दिन वो समय आएगा जब आपके सत्ता छिड़ेगी, आप राफेल में जेल जाएंगे, आप तमाम भ्रष्टाचार में आप लोग जेल जाएंगे। ये जितने अभी हमारे एक भाई ने कहा, हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है, जिले में, प्रदेश में, राष्ट्रीय स्तर पे तो लाखों करोड़ रुपए आपने जो खाए हैं, इन सब की जांच होगी, बस वो जो समय और जो काल चक्र है उसको बदलने दीजिए। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों ने पूरे देश के अपनी जांच का सामना कर लिया है,
काले कपड़े पहने या सफेद कपड़े, जान तो होगी। मैं आपकी पीड़ा के साथ हूँ, आपकी पीड़ा के साथ हूँ। उनको कोई पीड़ा नहीं है भाई, क्यों आधार बार बार पीड़ा। देखिए मैं तो सफेद कपड़ों में दिखती हूँ, कोई पीड़ा नहीं है। ठीक है, सही तक की क्या जरूर है। देखिए मैं जरूर है, हाँ बोलिए। दो तीन बातें बहुत गंभीर बातें उनको रखना हाँ, चाहता हूँ। नंबर एक, जो शबनम जी कह रही थी कि देश में महंगाई बढ़ी है, और पहले बढ़ी थी हाँ, लेकिन देश में कभी इतनी बेरोजगारी भी नहीं बढ़ी। 40 करोड़ लोगों ने आबादी ने 40 करोड़ आबादी ने बेरोजगार ढूंढना छोड़ दिया भारत के अंदर हाँ। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आंकड़े दिखाए हैं रोजगार के, उन्होंने जिन लोगों ने ऑटो लिया, ई रिक्शा लिया, ठेले लगाए, उन सबको इन्होंने रोजगार में जोड़ दिया। और इन्होंने खुद वादा किया था 2 करोड़ रोजगार। अरे शबनम जी जोड़िए तो आप, आदमी अपने पैसे से दुकान खोले पान की, उसका श्रेय आप लीजिएगा। वो रोजगार आपने दिया, आदमी रिक्शा चला आपके पैसे से, वो आपसे क्या बात कर रही है यार। आदमी चला रहा है वो आपको देना पैसा, श्रेय आप लीजिएगा। थे पैसा उसको मेरा मेरा दो नौकरियां छोड़ के, मजदूरी छोड़ के, इस बार इसके इंडस्ट्रीज बंद हो गई। लाखों मजदूर जिनको कोई रोजगार नहीं मिलता, वो सड़क किनारे सब्जी बेचने लगे। इन्होंने उसको रोजगार जोड़ लिया। आपने कितने लोगों को नौकरी दी बताइए। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए, क्योंकि उन्हें भरोसा है जी, दूसरी बात सुनिए, सरकार उनकी सुद लेती है। शबनम जी बीच में आप टोका टोकी करने लगी, आप लगता है प्रवक्ता, थोड़ा सा सब्र खो गए चुके हैं। आपकी पुरानी प्रवक्ता है, इतनी पुरानी प्रवक्ता है, सब्र रखिए सुनने में, धैर्य रखिए थोड़ा। आप बीच में बोलने लगती है तो डिबेट डिलेल हो जाती है। सुनिए आप, मैं गंभीर बातें कर रहा हूँ, उसके दीजिए। सुनिए आप, दूसरी बात, एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर, भारत के अंदर एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के अंदर एक नेक्सस गठजोड़ चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, रेलवे बनाती है, एयरपोर्ट बनाती है, अस्पताल बनाती है, और वो चीजों को उठा के जो है बड़े बड़े गवर्नमेंट इनके कॉर्पोरेट को दे दिया जाता है, और उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं। कॉर्पोरेट जो चीजें खरीद रहा है वो भी जनता के पैसे से ले रहा है। 11 लाख करोड़ का लोन आपने माफ किया, इन्होंने जो NTPC खरीद रहे हैं, और जो जो ये MTNL BSNL खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, और रेलवे खरीद रहे हैं, सब जनता के पैसे खरीद रहे हैं। और उसके बाद महंगाई बढ़ा रहे हैं। आप देखिए आज की डेट में लखनऊ के अंदर अमौसी एयरपोर्ट पे चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं, फैसिलिटी 10 गुना महंगी हो गई है वहाँ के अंदर, अंदर जाने के, और वेटिंग टाइम कम हो गया है, बाहर आप पार्किंग पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है, हर जगह लूट बची हुई है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। दूसरी बात, आपने कोरोना की बात की, यूक्रेन वार की बात करी, अरे आप लोग तो भाई आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। आपने आपदा में कहा आपदा में अवसर ढूंढ लिया, जब आप लोग आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं तो महंगाई क्यों नहीं कम करते। GST कलेक्शन 1.2 लाख हो गया है, इतना बढ़ गया जिसकी कलेक्शन, उस टाइम पे भी आपने 5% टैक्स और बढ़ा दिया दूध के ऊपर, दही के ऊपर, मक्खन के ऊपर, 14% टैक्स बच्चों की पेंसिल के ऊपर। अरे सावन चल रहा है, शिव जी को दूध चढ़ाना है, उसके भी आप 5 रुपए टैक्स ले रही हैं आप। अरे आपने भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान के शिव जी को मक्खन पसंद है, उसमें भी आपने टैक्स लगा दिया। अरे कुछ तो आस्था ख्याल रखिए, अरे हम लोग शिव जी के ऊपर दूध नहीं चढ़ाए सकेंगे आप चक्कर में। नहीं वो कह रहे ब्रांडेड दूध चढ़ाने की क्या जरूरत है, शिव जी ने कब बोला कि ब्रांडेड दूध चढ़ा। अब शहरों में ब्रांडेड दूध ही मिलता है, गाय नहीं मिलती। आप गांव में देहात में रह रही होंगी, वहां आपके गोहले ला के लाते होंगे। सारे गांवों को पीछे पड़ गए, आपको क्यों पीड़ा है? अरे हमें पीड़ा है, जनता की पीड़ा, हमने बीजेपी चश्मा नहीं लगाया, हमने आम आदमी चश्मा लगाया। चश्मा से महंगाई दिख रही है, जिसके ऊपर आप, जिसके ठीक है सुभाष जी। शबनम जी मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो दूध चढ़ाया जाता है उसके अंदर ब्रांड नहीं देखा जाता, उसके अंदर आस्था देखी जाती है। ये सही है, तकी तो समझ रही आस्था। लेकिन आपने जो बोला कि ब्रांड दूध चढ़ाने की क्या जरूरत है, नहीं नहीं शबनम जी, आपने ब्रांड का दूध चढ़ाने क्या जरूरत है, ये बोल के आपने कहने का, जो GST बढ़ाया गया है दूध पे दही पे, उसका आपने बचाव कर लिया आपकी सरकार का। एक छोटी सी बच्ची पेंसिल के ऊपर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लगती है, आपको उसके अंदर सोचना चाहिए कि ब्रांडेड वाला दूध मेरे घरे नहीं उतरा, मेरे क्या किसी घरे नहीं उतरा, आस्था देखी जाती है। आप अपनी चीजों को समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे GST काउंसिल में मुझे केवल एक सरकार नहीं करती GST का। शबनम जी आप ये बताइए, शबनम जी आप ये बताइए कि महंगाई से आप त्रस्त हैं या नहीं? देखिए मैंने बहुत साफ गोई से कहा, 8 साल में महंगाई बढ़ी है, इससे इनकार नहीं करती हूँ। लेकिन अगर मैं पिछली सरकार इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या नहीं, जहाँ 1300 का सिलेंडर मिलता था, गैस सिलेंडर मिलता था और उस पर भी 1200 नहीं मिलता था, उस समय जो परेशानियाँ ग्रीनी जयंती थी उसके बाद
कोरोना के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई। ठीक है सुभाष जी, सुभाष जी पूरा कीजिए जल्दी से। शबनम जी आपने बोला कि बिल्कुल महंगाई के लिए आप मान रहे हैं जिम्मेदार, क्या किया? निर्मला सीतारमण के बयान से आप कितना सहमत हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के बयान से आप कितना सहमत है? क्योंकि अभी आपने बोला महंगाई बढ़ी हुई है और वो बोलते महंगाई है नहीं, आप पार्टी लाइन से हटके बयान दे रही है। नहीं, उन्होंने भी यही बात बताया, उन्होंने सारे आंकड़ों के साथ सब तरीके से साफ तौर पे बताया कि जब पिछली सरकारें थी तो 10-10 साल डबल डिजिट में महंगाई दर हुआ करता था। आज उसके देखिए महंगाई सापेक्ष में बताया जाता है, महंगाई की अगर मैं कहूँ आज ये चीजें 10 रुपए में है तो पहले अगर 100 में था तो निश्चित तौर पे मैं कहूँ कि सस्ता है उससे। अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकी महंगाई का परिभाषा मैं बता दूँ, सिर्फ 10 सेकंड। आपने करप्शन का परिभाषा बताई। हाँ, आप सुनिए, मैं एक ही सवाल करती हूँ कि 5000 स्वतंत्रता सेनानी की जमीन क्यों बढ़ती है? खाने पीने की सामानों पर उन्होंने जो जीएसटी लगाया है और उनकी महंगाई की परिभाषा क्या, कैसे बढ़ रहा महंगाई वो बता रहा हूँ। एक कंपनी है ब्रिटानिया, ब्रिटानिया भी पैक्ड दही पैक करती है, बेचती है। अभी कुछ दिनों पहले उसके दाम 10 रुपए थे और जैसे ही उस पर जीएसटी लगाई गई, ब्रिटानिया ने अपने उस 10 रुपए वाले प्रोडक्ट को 15 रुपया कर दिया। बिस्किट है वो, दही नहीं, लगभग 50% उसका रेट बढ़ा दिया। 5 रुपए पैकेट से कैसे होगा? ये गलत बयानबाजी मत करिए। रोजमर्रा वाली चीजों पे किस तरह इन्होंने जीएसटी लगाई है? ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चल चल यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, चल जी, 100% तक महंगाई बढ़ेगी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं चलेगा। देखिए शबनम जी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि एक बहुत सही बात निकल के आई जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि ये जो चश्मा बीजेपी वाला है ना सब रंगीन दिखाई देता है, वो बस उनको सब रंगीन दिखाई देगा। मैं बताऊँ, नहीं नहीं मुझे नहीं बुला रही, आप लगा रही है क्योंकि आप लगा करके आपको फीलिंग गुड रहेगा, लेकिन वो रहेगा नहीं। आप अंदर जब बंद कमरे में अकेले बैठेंगे सोचेंगी, जब आप अकेले बंद कमरे में बैठेंगे तो सोचेंगे कि मतलब हम चूंकि क्या क्या बोलना पड़ता है प्रवक्ता होने की वजह से, बीजेपी प्रवक्ता होने की वजह से, तो मैं ये कहना चाह रहा था आप सोचो, आज के टाइम में रेल भेल गेल सब आप बेच रहे हो, आपकी आने वाली पीढ़ियां आप सवाल पूछेंगी कि दादी आप कहां थी जब देश बिक रहा था, तो आप कहां थी, क्या आप उन बेचने वालों गद्दारों के साथ खड़ी थी? ये पूछेगा देश आपसे, ये आपकी पीढ़ियां पूछेगी, तब आप जवाब नहीं दे पाएंगी, तब आपका कोई जवाब नहीं रहेगा। इसलिए शबनम जी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए और स्पष्ट कह दीजिए कि महंगाई है, आप भी पीड़ित हैं। ठीक सही है, तक 10 सेकंड। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने खुला तेल बेचने पे भी फाइन लगा दिया है। अब ज्यादा जनता खुला तेल लेती थी किराने की दुकान से, वो लोग सब्जी बनाते थे। क्या शबनम जी नहीं चाहती कि वो जो दाल बना रहे हैं सब्जी बना रहे हैं उसमें वो तेल इस्तेमाल करें? आपने कह दिया कि अगर खुला तेल बेचा जाएगा तो उतने कई हजार का आपने जुर्माना लगा दिया उसके ऊपर, मसाले भी आपने करे ब्रांडेड बिकेंगे खुले ना बिके, तो जनता भी एक गरीब जनता जो 10 रुपए मजदूर जो 100 रुपए 200 रुपए कमाता है रोज, उसी पैसे से 5 रुपए का तेल लेके आता है, 10 रुपए का मसाला लेके आता है, 10 की सब्जी बनाता है। आप कमरे से बाहर मार्केट में कब निकली? नहीं, आप सौदा लेने रोज जाती है बाजार, मुझे नहीं लगता आप जाती है बाजार। आप कमरे से बाहर निकलिए, आप सप्ताह में आइए, आप सप्ताह में सारी चीज आप पहले आती होंगी। चौक में कौन भैंस लेके खड़ा होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। यहाँ पे मैं शबनम जी का मुक्त कंठ से प्रशंसा भी करूंगा क्योंकि महंगाई की मार से अछूती नहीं है और उन्होंने एकदम बिल्कुल एकदम साफ गोई से उन्होंने स्वीकार भी किया कि महंगाई बिल्कुल है, इन्होंने स्वीकार किया, तो इस बारे में उनकी तारीफ करने काबिल है। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, जो तेल की कीमतों की बात आ रही है, सरकार ने बोला था कि जीएसटी लाएंगे और जीएसटी के दायरे में आने के बाद में तेल की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद में चीजें बढ़ेंगी नहीं घटेंगी, लेकिन जीएसटी आने के बाद भी जिस प्रकार से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। अपने पल्ले को झाड़ते हुए विपक्ष के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ते हुए इसके बारे में कुछ ऐसी रणनीति बनानी पड़े जिससे आम जनता के ऊपर जो महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है वो किस प्रकार हल्का किया जा सके। ठीक है, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो जनता के मुद्दे पर आज की यह चर्चा थी जिसमें महंगाई सबसे अहम मुद्दा है और महंगाई से हम और आप सभी त्रस्त हैं। कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है,
लेकिन इस प्रदर्शन का कितना नतीजा निकलेगा ये भी देखना है हमें, क्योंकि 24 के चुनाव करीब हैं और 24 के चुनाव में महंगाई को अहम मुद्दा बनाया जा सकता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस के अलावा भी बाकी के जो दूसरे राजनीतिक दल हैं देश प्रदेश में वो भी महंगाई को मुद्दा बनाते हैं और महंगाई को मुद्दा बना करके क्या करते हैं ये देखना है हमें। लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई से हम और आप काफ़ी त्रस्त हैं। आज के डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।